हाय डियर फ्रेंड, हम सभी देख रहे हैं एनसीईआरटी क्लास नाइन्थ का साइंस का 12th चैप्टर साउंड। ठीक है, और साउंड में हम ये आई थिंक 4th नंबर का वीडियो है सोनार। सोनार क्या है? ठीक है, सोनार से रिलेटेड हम पॉइंट पढ़ने वाले हैं कि सोनार है क्या। ठीक है, तो सोनार क्या है? द वर्ड सोनार स्टैंड फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ध्यान देना, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, रेंजिंग और नेविगेशंस के लिए सोनार का यूज़ किया जाता है। सोनार इज़ ए डिवाइस विच इज यूज टू फाइंड डिस्टेंस, डायरेक्शन, स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट। कोई अगर अंडर वाटर ऑब्जेक्ट है तो उसके डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पे है, उसके डायरेक्शन क्या है और उसकी स्पीड फाइंड आउट करने के लिए सोनार जैसे डिवाइस का यूज किया जाता है। सोनार कंसिस्ट ऑफ ए ट्रांसमीटर एंड रिसेप्टर और डिटेक्टर एंड इंस्टॉल एट द बॉटम ऑफ ए सीप के बॉटम में इसको यूज किया जाता है। द ट्रांसमीटर प्रोड्यूस एंड ट्रांसमिट अल्ट्रासोनिक वेव्स। क्या करता है? ट्रांसमीटर प्रोड्यूस करता है और ट्रांसमिट अल्ट्रासोनिक वेव करता है। दीज वेव्स ट्रेवल थ्रू वाटर एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग द ऑब्जेक्ट ऑन द बॉटम ऑफ ए सी आर रिफ्लेक्टेड बैक एंड रिसीव बाय डिटेक्टर। देखिए, सीप दिया हुआ है और इसमें वाटर सरफेस है, फिर डिटेक्टर यहाँ पे लगे रहता है, ट्रांसमीटर यहाँ पर है और सी बेड ये है। फिर आगे देख लेते हैं सोनार से रिलेटेड। द रिफ्लेक्टेड वेव आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल बाय डिटेक्टर, ये पॉइंट ध्यान में रखिए। फिर द सोनार डिवाइस मेजर द टाइम टेकन बाय अल्ट्रासाउंड वेव टू ट्रेवल फ्रॉम सीप टू बॉटम ऑफ सी एंड बैक टू सीप। हाफ ऑफ दिस टाइम गिव द टाइम टेकन बाय द अल्ट्रासाउंड वेव फॉर सीप टू बॉटम। लेट्स टाइम इंटरवल बिटवीन ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड सिग्नल इज टी। स्पीड ऑफ साउंड थ्रू सी वाटर इज वी दिया है एंड टोटल ट्रेवल बाय वेव्स 2d, देन 2d इक्वल टू वी इंटू टी। दिस इज कॉल्ड एज इको रेंजिंग बोला जाता है। 2d इक्वल टू वी इंटू टी इको रेंजिंग बोला जाता है। आगे क्या बोला है? द सोनार इज यूज टू फाइंड द डेप्थ ऑफ सी टू लोकेट अंडर वाटर हिल्स, वैली, सबमरीन, आइसबर्ग एंड सन्किन सी। बैट्स फ्लाई इन द डार्क नाइट बाय एमिटिंग हाई पिच अल्ट्रासाउंड वेव्स विच आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्स्टेकल और प्रे एंड रिटर्न टू बैट्स ईयर। द नेचर ऑफ रिफ्लेक्शन टेल्स द बैट फादर ऑब्स्टेकल और प्रे इज एंड व्हाट इट इज लाइक। फिर स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर को हम देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। बहुत ही काफ़ी कुछ हम अपने अगर ईयर के बारे में देख रहे हैं तो काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिलेगा। तो देखिए क्या दिया है। पहला दिया है द ईयर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। ये 3 ईयर के पार्ट में करके और स्टडी करते हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। दूसरा अगर मैं पॉइंट वर्क करूँ, द ईयर्स आर द सेंस ऑर्गन विच हेल्प अस टू हियर साउंड। उसके अंदर सेंस ऑर्गन है जैसे कि हमें हेल्प करता है सुनने के लिए। द आउटर ईयर इज कॉल्ड पीना, क्या बोलते हैं? पीना, जो आउटर ईयर है उसको पीना बोलते हैं। इट कलेक्ट्स द साउंड फ्रॉम सराउंडिंग, वो सराउंडिंग से साउंड को कलेक्ट करता है। फिर नेक्स्ट क्या है? दिस साउंड पासिस थ्रू द ऑडिटरी कैनल, ऑडिटरी कैनल के थ्रू वो पास करता है। एट द एंड ऑफ ऑडिटरी कैनल इज अ थीन इलास्टिक मेम्ब्रेन कॉल्ड ईयर ड्रम एंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। द मिडल ईयर कंटेंट्स ऑफ 3 बोन्स, जो मिडल ईयर कंटेंट 3 बोन्स होते हैं जैसे हैमर, अनवील एंड स्टीरअप। ये 3 बोन्स हैं, लाइक विथ वन अनदर, लिंक्ड विथ वन अनदर। फ्री एंड ऑफ हैमर टचेस ईयर ड्रम्स एंड डैट ऑफ स्टीरअप लिंक विथ ए मेम्ब्रेन ऑफ वॉल विंडो ऑफ इनर ईयर। द लोअर पार्ट ऑफ मिडल ईयर हैज़ ए नैरो, जिसको बोला जाता है ऑस्टिचियन ट्यूब, ऑस्टियाचियन ट्यूब होता है। द इनर ईयर हैज़ ए क्वाइल ट्यूब कॉल्ड कोचलिया, ठीक है, कोचलिया, विच इज़ कनेक्टेड विद द ओवल विंडो। कोचलिया इज ए फील्ड विद अ लिक्विड कंटेनिंग नर्व सेल्स। अदर साइड ऑफ द कोचलिया इज कनेक्टेड अ ऑडिटोरी नर्व विच गोज टू ब्रेन।
तो ये फिगर है, देखिए इसमें पिना क्या है, स्टीरअप हैमर, अनाविल, ओवल विंडो, कैचलिन, एस्टुचियन ट्यूब, ऑडिटोरी कैनल, तो ये सब उसको डिवाइड किया गया आउटर, मिडल और इनर। फिर उसकी वर्किंग वर्किंग देख लेते हैं। वर्किंग क्या है, वन कंप्रेशन ऑफ साउंड वेव स्ट्राइक द ईयर ड्रम, द प्रेशर ऑन द आउटसाइड ऑफ द ईयर ड्रम इंक्रीजेज एंड पुशेज द ईयर ड्रम इनवर्ड, वाइल ड्रम रिफ्रैक्शन ईयर ड्रम मूव्स टुवर्ड्स, दस ईयर ड्रम स्टार्टेड वाइब्रेटिंग बैक एंड फोर्थ। दीज वाइब्रेशन आर इंक्रीज बाई थ्री बोन्स एंड मिडल ईयर ट्रांसमिट दीज एम्पलीफाइड प्रेशर वाइब्रेशन रिसीव फ्रॉम साउंड वेव्स टू इनर ईयर। इन द इनर ईयर द प्रेशर वेरिएशन आर टर्न इंटू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स बाय द कोशिला, दीज इलेक्ट्रिक सिग्नल आर सेंड टू द ब्रेन वाई ऑडिटरी नर्व एंड द ब्रेन इंटरप्रेट देम एज साउंड। वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर क्या है, पीना, फिर बाद ईयर कैनल, ईयर ड्रम, हैमर, एनविल, स्टीरअप, ओवल, विंडो, कोशिला, ऑडिटोरी नर्व, ब्रेन, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो एक एक वन बाय वन वन मार्क के क्वेश्चंस हैं, टू मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, फिर थ्री मार्क्स का, फाइव मार्क्स का क्वेश्चंस हैं, उसके आंसर भी दिए हुए हैं। तो आप लोग करते रहना है, शेयर भी करना है कि ताकि और भी हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो बना सकें। तो अगर आप सभी का सहयोग रहेगा तो हम ज़रूर और भी इसके जितने वीडियो हैं वो ज़रूर आप तक पहुँचाएँगे। तो आप देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए और अपने जो फ्रेंड मित्र हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।